दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और हम लोग जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जनरल साइंस में मास पर आधारित ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले आरआरबी से जुड़े एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी कौन सी राशि है जिसका यदि हम लोग स्थान बदल दें, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएं, तो उसके मान में या वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। वैसे भी हम लोगों ने टॉपिक ही ऐसा चुना है जो जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है और जो 10th लेवल के क्वेश्चन है वह सभी लिए हैं मैंने, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, वैसे मास है, लेकिन मास के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। नॉर्मली द्रव्यमान किसे कहते हैं या इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा है जो उस वस्तु को बनाता है या जिससे वस्तु बनती है। समझ में आया, द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा है जिससे वस्तु बनती है। और भी कुछ इससे जुड़े हुए बातें जो आपको याद होने चाहिए कि द्रव्यमान से किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण का और शक्ति का पता चलता है। किसी वस्तु के वजन और गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण और शक्ति का पता चलता है। तो ये दो तीन बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। अब समूह, सबसे पहले तो जो समूह मतलब ग्रुप, इनमें से कौन से एक ही ग्रुप के हैं वो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे कि डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्पीड लिखा है, टाइम लिखा है, मास लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा। तो मैं आपको बता दूं, जो स्पीड है यहां पर आपको दिख रही है स्पीड, और जो टाइम है और जो एक्सेलरेशन है, ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं, रैखिक गति में आते हैं, लीनियर स्पीड में या लीनियर गति के अंदर आते हैं। तो उस ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन मास उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया था, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, नहीं है तो उसको अच्छे से याद कर लें। द्रव्यमान किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो उस वस्तु को बनाती है। क्या है, द्रव्यमान किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो वस्तु को बनाती है, फिर उस वस्तु को बनाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो यहां पर नाम दिए, चार ऑप्शन दिए, उनमें से बताना है कि जो जड़त्व इनर्शिया है उसको मापने की यूनिट या इकाई कौन सी होती है। इनर्शिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनर्शिया किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब यदि कोई वस्तु स्टेटिक कंडीशन में, मतलब भ्रामावस्था में, तो वह भ्रामावस्था को मेंटेन करने में जो मदद करता हुआ है कौन सा गुण होता है, जड़त्व होता है। या कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहे, ये जड़त्व पूरा प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, जड़त्व गुण होता है। या कोई वस्तु अपनी भ्रामावस्था में है, स्टेटिक कंडीशन में है, तो उसके पीछे उसका गुण है जड़त्व। इसलिए जड़त्व होता है वह ऐसा गुण होता है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। लेकिन ये जड़त्व, इसको मेजर करने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वह कौन सी होती है, मास होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु के
द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था उसी को तोड़ मरोड़ के या फिर कह सकते हैं उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु के द्रव्यमान का जो मापन है वह किसका मापन कहलाता है? तो द्रव्यमान का मापन किसका कहलाता है? जड़त्व, जो लिखा इनर्सिया, इनर्सिया की जो इकाई है या मापन क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। वो द्रव्यमान किसका मापन है? वह किसका हो जाएगा? जड़त्व का हो जाएगा। मतलब अपोजिट क्वेश्चन एक दूसरे में पूछ लिया गया थर्ड और फोर्थ में। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, उसके लिए नीचे आप देखेंगे सभी क्वेश्चनों में मैक्सिमम मैंने सभी जो भी डेट मुझे मिलती है वो मैं लिख देता हूं, तो आप इसको भी ध्यान में रख के चलें कि ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी लो लग रही है तो अपने वीडियो की सेटिंग में जाकर 360, 480, 720 या इससे अधिक पर सेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर परिभाषा ही पूछ लिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताई थी, मैंने क्या बताई थी? किसी वस्तु की वह मात्रा, सॉरी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो वस्तु का निर्माण करती है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो वस्तु का निर्माण करती है क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। यहां पर डायरेक्ट मैं ऑप्शन बताऊंगा, डी वाले ऑप्शन को यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है क्लियर, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि या मात्रा बोलते इसको, को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब जो मैंने बोला उसी वही डेफिनेशन लिखी है, लेकिन अपने तरीके से क्वेश्चन में जो भी ये बनाते हैं पेपर उन्होंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन द्रव्यमान की परिभाषा पर भी पूछा गया है, ये आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम या घनत्व होता है। लेकिन घनत्व का क्वेश्चन पूछा गया, डेंसिटी का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये द्रव्यमान से रिलेटेड है। किससे? द्रव्यमान से रिलेटेड है क्वेश्चन में, जो द्रव्यमान से रिलेटेड है तो हमें घनत्व के बारे में पता भी होना चाहिए। तो नॉर्मली ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर वर्डों में बोला जाए कि घनत्व किसे कहते हैं तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। नॉर्मली मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जैसी मैंने डेफिनेशन बताई वैसे ही तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया उसने, इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताता हूं तो आप उसको ध्यान दिया करें। जैसे देखो इस क्वेश्चन में लिखा है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी बिल्कुल पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, मतलब डेंसिटी कहलाती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपसे बनना चाहिए, जैसे लिखा है यदि किसी वस्तु का भार क्या दिया 200 न्यूटन तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? आगे लिख रहा है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्या होता है W, मतलब वेट इक्वल क्या होता है? mg, है ना, ऐसा ही पढ़ा होगा, वेट मतलब भार इक्वल होता है द्रव्यमान इनटू ग्रेविटी, जो भी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू रहती है। हमें क्या निकालना? मास निकालना। तो मास इक्वल क्या हो जाएगा? ये W इधर ही जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो यहाँ W की वैल्यू कितनी दी गई? 200, मतलब वेट की वैल्यू 200 दी गई, जी की कितनी दी गई? 10 दी गई है। तो यहाँ पर 10 रख लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? 20 किलोग्राम। क्या बचेगा? 20 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बल अपॉन त्वरण क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार एफ इक्वल क्या होता है? एम ए, जो स्मॉल ए कर देते हैं, है ए क्या होता है? एक्सीलरेशन। एफ क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा? यहां पर मास हो जाता है। हमें क्या चाहिए? फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन।
तो हम m को अगर इधर लाएंगे तो f हमारा यहीं रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर a आ जाएगा, तो क्या होगा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। तो क्या किसकी वैल्यू हुई है, मास की हुई, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो यहाँ पर रेशो पूछा गया वो किसका रेशो हो जाएगा, मास का रेशो हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हो या आप चाहते हैं इस तरह का पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए आपका जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का, जो RRB JEE या किसी भी टाइप के RRB के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से हमें बताना है कि कौन ऐसी क्वांटिटी है जो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। तो ऐसा होता है मास के कारण, किसके कारण, मास के कारण। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये 450 न्यूटन यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या हो जाता है हमारा W होता है ना, सभी को पता क्या हो गया, भार मतलब वेट, तो कितना हो जाएगा 450 न्यूटन। हमने अभी इससे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को, नहीं है याद, तो ये W से याद आ जाएगा। हमने ऐसा लिखा था W इक्वल क्या लिखा था, हमें क्या निकालना, मास और ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अब यदि हमें मास निकालना है तो W बटे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगी। तो जी की वैल्यू दी गई 450, यहाँ लिख देते हैं। और जब ये गुरुत्वाकर्षण जो हमने मान 9.81 ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा, तो यदि ऊपर वाले में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग 45.9 किलोग्राम। तो हमारे हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। फिर से वैसा ही न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालिए। तो निकालना बहुत आसान है, W इक्वल क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, और हमें एम निकालना है तो W बटे जी हो जाएगा, और हम वैल्यू रख देंगे 980 बटे क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा इक्वल, जो हमने कैलकुलेट किया इसको, जो मेरा आंसर आ रहा है 100 आ जाएगी, इसको जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, ए काट देंगे बन बढ़ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 100 देखेंगे, ए वाले ऑप्शन में हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जो हमने आठवां सेट है आज आपने देखा होगा जनरल साइंस का, इससे पहले 7 सेट में डाल चुका हूँ। यदि आप हमसे नए जुड़ रहे होंगे तो प्लेलिस्ट का पता नहीं होगा, तो प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे AB क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएंगे, तो होम पेज पर जाना, इसके अलावा कहीं पर क्लिक नहीं करना। जैसे आप होम पेज पर जाएंगे तो फिर नीचे चले जाना, जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लिखा दिख जाएगा RRB JEE SSC JEE/Other, उस पर आपको क्लिक कर देना, वहाँ पर लिखा भी रहता है क्लिक हेयर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे वहीं पर आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा RRB JEE General Science लिखा मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो सारी वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। और इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, हमारे नंबर पर हाई करके भेज दें और उस पर लिख दें कि सर मुझे जनरल साइंस की या मैथमेटिक्स की कोई प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए, तो मैं उस नंबर पर आप भेज दूंगा जिससे आप मुझे हाय करेंगे या लिखकर भेजेंगे कि आपको क्या चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो ये क्वेश्चन था कि किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो इसका आंसर मैं पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने थोड़ा सा बदल कर पूछा जो थ्योरी क्वेश्चन की होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि बल एफ है
और त्वरण क्या है, ए है। तो दिया मतलब ये दोनों दिए हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था एफ इक्वल क्या बताया था, एम और ए बताया था, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और ये हमारा फोर्स हो गया। अब यहां पर मास निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ बटे ए हो जाएगा, तो मतलब फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन किस में लिखा, बी में लिखा है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा, तो मैंने यहां पर बता दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो द्रव्यमान या फिर मास पर आधारित थे। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में द्रव्यमान या मास पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि जो भी डाटा मैंने बताया यदि आपको ये याद रहता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाएगा, और कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है मास से रिलेटेड तो वो भी आपसे बन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।